Good morning, friends. First of all, to congratulate you to coming in SYBBA. It means third sem. From today, we will start our subject statistics. There are 5 chapters in statistics. First is linear correlation, second is linear regression, third is probability, fourth probability distribution 1, and fifth probability distribution 2. तो बच्चों आज से हम हमारा स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं. तो स्टेटिस्टिक सब्जेक्ट का पहला चैप्टर हमारा है लीनियर कोरिलेशन. तो आप सब हम जानते हैं कि पहले हम थियरी लेते हैं, थियरी एक्सप्लेन करने के बाद हम फॉर्मूला एक्सप्लेन करेंगे और उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करने शुरू करेंगे. तो आज से हम लीनियर कोरिलेशन की थियरी एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं. तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ लीनियर कोरिलेशन. बच्चों लीनियर कोरिलेशन क्या है वो हमें पढ़ना है. तो लीनियर कोरिलेशन हमने पढ़ा है, इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियस एंड द चेंजेस इन वन रैंडम वेरिएबल इज ड्यू टू द चेंजेस इन अदर रैंडम वेरिएबल, देन टू रैंडम वेरिएबल्स आर सेड टू बी लीनियरली कोरिलेटेड. फिर से एक्सप्लेन करता हूं. इफ द चेंजेस इन द वैल्यूज ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स आर साइमल्टेनियस एंड द चेंजेस इन वन रैंडम वेरिएबल्स इज ड्यू टू द चेंजेस इन द अदर रैंडम वेरिएबल्स, टू रैंडम वेरिएबल्स आर सेड टू बी लीनियरली कोरिलेटेड. तो दो वेरिएबल हमें दिया गया है, उसमें दोनों वेरिएबल में चेंजेस एक साथ होता है. इंक्रीज डिक्रीज बाद की बात है, लेकिन चेंजेस होता है और एक के कारण दूसरे में चेंजेस होता है, तो वो दो वेरिएबल को लीनियरली कोरिलेटेड बोलते हैं. स्टैंडर्ड 12th में आपने पढ़ा है सहसंबंध गुजराती में कहते हैं. ये चैप्टर हमने शुरू किया है, थोड़ा डिटेल में आएगा इसमें. तो when two variables given, the changes in both variable are simultaneous and changes is due to one variable cause and second variable effect. Cause and effect relationship must be required between two variables. तो मैं आपको illustration देता हूँ. Price and demand. Price increase होगी तो क्या होगा, demand कम होगी. प्राइस डिक्रीज होगी तो डिमांड ज्यादा होगी. कोई भी ज्यादा कम का मतलब नहीं है, लेकिन दोनों साथ डिफरेंस आते हैं, चेंजेस आता है प्राइस और डिमांड में. अगर रेन एंड क्रॉप ऑफ व्हीट, रेन आएगा ज्यादा तो क्रॉप ऑफ व्हीट इंक्रीज होगा. सेल ऑफ अम्ब्रेला एंड सेल ऑफ रेन शूज, जब रेन शूज रेन कोट सब एक साथ इंक्रीज होता है, तो ये दो वेरिएबल होते हैं उसे क्या कहते हैं, लीनियरली कोरिलेटेड. अगर एक इलस्ट्रेशन आपके सामने का दूं मैं, तो व्हेन इंक्रीज इन सेल ऑफ हीरो होंडा इन मोरबी, सेल ऑफ हीरो मोटरसाइकिल इन मोरबी इंक्रीज, देन इंक्रीज इन सेल ऑफ पेट्रोल इन मोरबी, राइट. तो जब हीरो मोटरसाइकिल का सेल इंक्रीज होता है मोरबी में, तो पेट्रोल का सेल मोरबी में इंक्रीज होता है. अगर तो ये दो वेरिएबल है उसे क्या कहते हैं, लीनियरली कोरिलेटेड. तो बच्चों एक दूसरा इलस्ट्रेशन दूं मैं. सेल ऑफ कार इंक्रीज इन अमेरिका एंड सेल ऑफ पेट्रोल इंक्रीज इन मोरबी, तो देर बोथ आर इंक्रीज बट दे हैव नो कोरिलेशन, बिकॉज अमेरिका से जो कार सेल हुई है वो पेट्रोल डलवाने के लिए मोरबी नहीं आएगी बच्चों. तो दोनों इंक्रीज होता है, दोनों साथ में भी होता है, लेकिन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए दोनों के बीच लीनियरली कोरिलेशन नहीं है. जबकि सेल ऑफ हीरो बाइक इंक्रीज इन मोरबी,
that is cause and effect is sale of petrol increase in Morbi, then both variable are linearly correlated. Clear? So now we proceed for types of linear correlation. So there are mainly two types of correlation. First is positive correlation, second is negative correlation. जब दो वेरिएबल दिया जाता है तो दोनों में एक साथ इंक्रीज होता है या दोनों में एक साथ डिक्रीज होता है तो उसे पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं, और दो वेरिएबल दिया जाता है, एक इंक्रीज होता है दूसरा डिक्रीज होता है, एक डिक्रीज होता है दूसरा इंक्रीज होता है यानी ऑपोजिट होता है, तो उसे नेगेटिव लीनियर कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नाउ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज डिनोटेड स्मॉल आर। आप जानते हैं कि स्मॉल आर से डिनोट किया जाता है। तो व्हाट इज कोरिलेशन कोएफिशिएंट? तो बच्चों कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द स्टेटिस्टिकल टूल विद द हेल्प ऑफ विच वी डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ये पॉजिटिव कोरिलेशन है या नेगेटिव कोरिलेशन है वो तो हम डिसाइड कर लिया कि इंक्रीज होता है तो इंक्रीज दोनों, डिक्रीज होता है तो डिक्रीज, दैट इज पॉजिटिव। एक इंक्रीज हो दूसरा डिक्रीज हो दैट इज नेगेटिव, एक डिक्रीज हो दूसरा इंक्रीज हो दैट इज आल्सो नेगेटिव। बट व्हाट इज द मेजर? तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज द स्टेटिस्टिकल टूल विद द हेल्प ऑफ विच वी डिसाइड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप कितनी है उसका मेजर हम करते हैं, उसे कोरिलेशन, जो मेजर देता है उसे कोरिलेशन कोएफिशिएंट बोलते हैं बच्चों। तो कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज, नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा उसमें प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर की, लेकिन उससे पहले मैं कह दूं कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ऑलवेज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन। आर है वो माइनस वन और प्लस वन के बीच में होता है। अगर हम कैलकुलेट करें और माइनस वन के नीचे आए तो समझ लेना कि हमारी कुछ गलती है, वन के ऊपर आए तो भी समझ लेना कि हमारी कुछ गलती है। कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर इज ऑलवेज लाइज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, राइट? तो नाउ कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इक्वल टू आर। तो इफ वी गेट आर इज इक्वल टू वन देन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इफ वी गेट आर इज इक्वल टू माइनस वन देन परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इफ आर इज इक्वल टू जीरो देन, आप में से कोई कहेगा आर इज इक्वल टू जीरो यानी कोरिलेशन नहीं है, नहीं, देर इज लैक ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल एंड लीनियर कोरिलेशन नहीं है ऐसा कह सकते हैं। कर्वी लीनियर कोरिलेशन हो सकता है, दूसरा कोरिलेशन होता है, लेकिन लीनियर कोरिलेशन नहीं है, दैट इज लैक ऑफ कोरिलेशन इफ आर इज इक्वल टू जीरो। इधर डिटेल में मैं समझाता हूं, ये जीरो है, माइनस वन है, प्लस वन है, उसके बीच आर सफर करता है। तो जीरो से माइनस पॉइंट फाइव आएगा तो दैट इज लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, जीरो से पॉइंट फाइव आएगा दैट इज लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन, एंड अगर माइनस पॉइंट फाइव से माइनस वन आएगा दैट इज हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन, पॉइंट फाइव से प्लस वन के बीच आएगा दैट इज हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर एग्जैक्ट माइनस वन आता है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, एग्जैक्ट प्लस वन आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। तो बच्चों ये इंटरप्रिटेशन ऑफ आर हुआ। ठीक है, तो मैं आज इतना समझाया, मैं समझ सकता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो फिर वीडियो दूसरी बार देखिए, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कभी भी मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू।